तो इस वक्त मैं दिल्ली में संसद मार्ग पर हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का जश्न मनाया जा रहा है और यहीं पर मुझे दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मिले हैं। तो सर, बाबा साहब की जन्मदिन की बहुत सारी बधाई आपको। मैं भी समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की अपार शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ में सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आज सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को ये होगी, हम उनका जन्मदिन तो मना रहे हैं और हम ये भी कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब को तो मानते हो, आप बाबा साहब की बात को भी मान लो। वो चाहते थे कि ऐसा भारत बने जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, जहाँ किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न ना हो, जहाँ कोई दंगे ना हो, जहाँ सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, अगर आज के भारत में भी मूंछ रखने मात्र पे, सुंदर दिखने पे दलित की हत्या होती है, अगर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, विरोध करने पे घर जलाए जाते हैं, तो ये कैसा भारत बना रहे हैं? ऐसे भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि जब तक जातियाँ रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। हम लोग जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति तो चाहते हैं पर जाति खत्म करना नहीं चाहते। कोई लिखता दी ग्रेट चमार, कोई लिखता दी ग्रेट वाल्मीकि, इसका मतलब हम जाति को खुद ही जिंदा रखे हुए हैं। और जब तक हम जाति को जिंदा रखेंगे तब तक हम अपनी अपनी जाति को जब तक हम महान बनाते रहेंगे तब तक हमारा शोषण चलता रहेगा। एक ही रास्ता, बाबा साहब इस बीमारी को समझ गए थे कि जाति है तो जातिगत उत्पीड़न है, इसलिए जाति को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो और बौद्धमय भारत का निर्माण करो। बौद्धमय भारत यानी कि ऐसा भारत जिस तरह अनेकों नदियाँ एक अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और वो जाके समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी तरह सारे बहुजन समाज के लोग बुद्ध के धम्म में जाकर बौद्धमय भारत का निर्माण करें, बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करें और हम सब बौद्ध कहलाएंगे। फिर हमारी जातियाँ खत्म हो जाएंगी, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, तब हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, तब हम जो बाबा साहेब चाहते थे उस तरह का उनके सपनों का भारत बनाएंगे, तब हम अपने लोगों की जातिगत उत्पीड़न को जड़ से खत्म कर पाएंगे। लेकिन अगर हम जातियों को जिंदा रखेंगे, अगर अपने लड़की लड़के की शादी के लिए अपनी जाति में लड़का लड़की ढूंढेंगे, फिर कभी यह जातिगत उत्पीड़न खत्म नहीं होगा और यह जाति व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक उत्पीड़न रहेगा। आपको अपने अंदर भी बदलाव करने होंगे, बिल्कुल, कि सबको चाहिए कि ब्राह्मणों के घर रिश्ता हो जाए लेकिन आपस में भंगी, चमार, कुम्हार, लोहार आपस में नहीं करते हैं। तो अभी टाइम आ गया कि अंदर भी खुद भी जाके देख लें। नहीं नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जब आप अपने अंदर भेदभाव छुआछूत करते हैं, आपस में ही आप जातियों को मजबूत कर रहे हैं, तो फिर जिस जाति व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए। अगर आप जाति व्यवस्था का से परेशान हैं, जातिगत उत्पीड़न से परेशान है, तो फिर जाति को छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपके पड़े हो, किसने आपको रोका है? तो ये जातियाँ छोड़नी पड़ेंगी, समाज को जोड़ना पड़ेगा। और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बौद्ध में थी, हम तो अपने पूर्वजों को भी धोखा दे रहे हैं, हम उनके सपनों को भी पूरा नहीं कर रहे, हम उस व्यवस्था में पड़े जो हमें गुलाम बना रही है और जो व्यवस्था में सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही हम उसमें वापस नहीं आ रहे। जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो पूरा भारत किस तरह तरक्की कर रहा था, सोने की चिड़िया था। तो फिर से हमें, मुझे लगता है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करनी चाहिए। सर, ये जयंती जैसे समारोह में हम देखते हैं कि बहुत भीड़ आती है, अभी आप देखें सुबह से लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन बाकी मसलों पर बहुजन एकता ऐसी दिखाई नहीं देती जैसी जयंती पर दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे कि भाई जो एकता दिखनी चाहिए समाज में वो बाकी मौके पर भी होनी चाहिए? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो हमारे समाज के लोग अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने बुजुर्गों को धोखा दे रहे हैं। हम अपने बाप को बाप नहीं कहते, दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, हैं? जयंती पे केवल निकल कर हम लाखों लोग इकट्ठा रोड पर निकल भी जाएं, उससे क्या है? जब हमारा युवा की हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत टूट रही है, तब हम कहाँ हैं? हमें लड़ाई को मिलकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और जहाँ से बुराई शुरू होती है उस बुराई को जड़ से वहीं पर ख़त्म करना होगा। तो बुराई तो जाति से पैदा हो रही है ना, जाति को हम खत्म नहीं कर रहे, फिर किस बात की लड़ाई है, फिर क्यों परेशान है, फिर झेलो उत्पीड़न। सर, आप क्योंकि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो एक राजनीतिक सवाल और आखिर में ले लेता हूं। बाबा साहब की तस्वीर दिखा के बड़े लोग आजकल वोट मांग रहे हैं, बड़ा आसान हो गया है बाबा साहब के नाम पे वोट ले लेना, तो उससे भी सावधान होना चाहिए क्या हमारे लोगों? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, हमारे लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक नहीं बनना चाहिए, किसी का भी। हाँ, जो राजनीतिक पार्टी हमारे मान सम्मान का ध्यान रखे, जो राजनीतिक पार्टी हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करने को तैयार हो, जो हमारे मुद्दों के साथ जिनके विचारधारा मेल खाती हो, जो हमारे बच्चों को सरकारी खर्चे पे पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, जो सरकारी खर्चे पे हमें अच्छा इलाज मुहैया करा सके, तो उनके साथ हम बार्गेनिंग करें ना कि तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और जो हमारा ध्यान नहीं रखेगा हम भी उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हम वोट बैंक क्यों बने? कभी कांग्रेस का वोट बैंक बन गए, कभी किसी का बन गए। वोट बैंक मत बनिए,
सीधा अपने हक और अधिकार की बात कीजिए, जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, और इनका कहना है कि समाज को एकजुट होना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि वो वोट बैंक ना बन के सीधे बार्गेनिंग पावर में आए और अपने हिस्से का काम करें। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।